आईपीएल का झगड़ा छोड़ अब जितने भी इंडियन प्लेयर है सब इकट्ठा होके गए हैं मैच खेलने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। जी हाँ, WTC फाइनल जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, वो 7 जून से स्टार्ट होने वाली है और सारे इंडियन प्लेयर्स जो है वो पहुंच चुके हैं। बात करें विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा तक और यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने ये आईपीएल में सबसे फास्टेस्ट 50 मारा है, वो भी इस दौरे का हिस्सा है। तो जो यशस्वी जायसवाल है उसको ऋतुराज गायकवाड़ है उसके जगह पे लेके गया गया है स्टैंड बाय प्लेयर के रूप में, और रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद सिराज, अश्विन सब यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं इंग्लैंड के अंदर। तो विराट कोहली भाई तो 24/7 वाली पोस्ट भी डाल रहे हैं कि विराट कोहली 24 घंटे रेडी रहता है खेलने के लिए, और रोहित शर्मा यहाँ पे बैटिंग प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। साथ में यशस्वी जायसवाल के साथ रोहित शर्मा बहुत ज्यादा घुल मिल गए हैं। बड़े खिलाड़ी विराट कोहली भी, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल तीनों ही यहाँ पे मस्ती करते नजर आए इंग्लैंड के अंदर। तो जो WTC फाइनल है ये खेला जाएगा इंग्लैंड में और ये पहला मैच यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है। आपको बता दूं ये चैंपियनशिप मैच है। यहाँ से पिछले महीने जब IPL से पहले यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जब आई थी इंडिया दौरा करने के लिए, तब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के यहाँ पे अपना जगह बनाया था WTC फाइनल के अंदर, और वही मैच यहाँ पे होने वाली है 7 जून। अगर मैं आपको बताऊं तो WTC फाइनल जो है वो 7 जून से स्टार्ट होगी, 11 जून तक चलेगा और इसमें बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पे खेलेंगे। जैसे कि इंडियन टीम की अगर बात की जाए तो इंडियन टीम से हमारे पास यहाँ पे जो स्क्वाड में है वो रहने वाले हमारे कैप्टन रोहित शर्मा, उसके साथ साथ शुभमन गिल यहाँ पे होंगे जो अभी यहाँ पे IPL खेल के अभी यहाँ पे तुरंत जाएंगे इंग्लैंड, उसके साथ साथ चेतेश्वर पुजारा रहने वाले हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रिसेंट में खेला ही था IPL से पहले, उसके साथ साथ विराट कोहली जो हमारे किंग कोहली है वो भी रहेंगे, फिर अजिंक्य रहाणे रहेंगे, रविंद्र जडेजा रहेंगे, रविचंद्रन अश्विन रहेंगे, अक्षर पटेल, श्रीकर भरत, श्रद्धू ठाकुर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, जयदेव उनदकट, और जयदेव उनदकट शायद से नहीं खेल सकते हैं तो उनके जगह किसी और बॉलर को यहाँ पे किया जाएगा क्योंकि जयदेव उनदकट यहाँ पे इंजर्ड थे IPL के समय में, उमेश यादव और ईशान किशन। तो यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ था उसके जगह पे एक स्टैंड बाय प्लेयर यहाँ पे जो यशस्वी जायसवाल है उसको यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड की तो यहाँ पे पैट कमिंस रहेंगे जो कि कैप्टन है, फिर यहाँ पे स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, कैमरन ग्रीन, मार्कस हैरिस, जॉस हेजलवुड, ट्रेविस हेड, फिर आपका जॉस इंग्लिश एंड उसके साथ साथ उस्मान ख्वाजा रहने वाला है, फिर लबुशंग रहने वाला है, नेथन लायन, मिथिल मार्च और यहाँ पे स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क और डेविड वॉर्नर। तो ये सारे प्लेयर जो है वो यहाँ पे WTC फाइनल में खेलने वाले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। तो अभी यहाँ पे बात ये उठ के आती है कि क्या इंडियन टीम IITC फाइनल जीत सकती है ये WTC फाइनल? तो मेरे हिसाब से हाँ जीत सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमारा स्ट्रेटजी जो देखा जाए वो पहले मैच में जीत जाना, फिर दूसरे मैच में जीत जाना, बाकी दो मैच में हम लोगों का हार होना, तो वो मतलब लास्ट वाला मैच तो ड्रॉ ही हो गया था यहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोगों ने जीता था टेस्ट मैच, हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से जीता था और बहुत अच्छे तरीके से जीता था क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया को बहुत कम रनों में भी आउट किया, 90 से कम रनों में भी हम लोगों ने उन्हें आउट किया। तो ये जो खेला होगा इंग्लैंड के ओवल में होगा और वहाँ का जो पिच है वो काफ़ी स्पिनिंग बनाया जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है वो द एशेज खेलते हैं और ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा बहुत यहाँ पे है मतलब एक्सपीरियंस वहाँ पे खेलने का, लेकिन इंडिया का वहाँ पे भी एक्सपीरियंस है। अब देखिए क्या होता है कौन सा टीम वहाँ पे। बाकी यहाँ पे बात की जाए एक्सपेक्टर की तो कौन कौन से प्लेयर यहाँ पे एक्सपेक्टर होने वाले हैं, तो ईशान किशन यहाँ पे एक्सपेक्टर होने वाले हैं। हालांकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ईशान किशन को IPL के लास्ट मैचेस में चोट लग गया था जब मुंबई का यहाँ पे LHG के साथ मैच था, उसमें जो क्रिस जॉर्डन है उसी के हाथ से जो ये है भाई एल्बो उससे लग गया था उसकी आंखों में, तो इसकी वजह से क्या ईशान किशन बाहर हो जाएंगे? तो नहीं, ईशान किशन यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं और इंग्लैंड के पिच पे ईशान किशन बहुत ही अच्छा खेलेंगे क्योंकि ईशान किशन की स्पिन थोड़ा सा यहाँ पे कमजोर है लेकिन वो उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ईशान किशन खेलेंगे। साथ में शुभमन गिल भी यहाँ पे खेलेंगे और आप लोगों को पता है शुभमन गिल का अभी जो फॉर्म चल रहा है बहुत ही बेहद मतलब सेंचुरी वाला फॉर्म चल रहा है क्योंकि अभी रिसेंट में उसने सेंचुरी मारी है और उससे पहले बैक टू बैक 3 सेंचुरी यहाँ पे मारा है IPL में। अगर बात करूँ विराट कोहली की तो विराट कोहली भाई बैक टू बैक सेंचुरी मारने के लिए जाने जा रहे हैं जो IPL में मारे हैं, और स्पिनिंग ट्रैक की बात करूँ तो स्पिनिंग ट्रैक के ये जो ईशान किशन है बहुत ही अच्छा खेलते हैं, विराट कोहली भाई भी बहुत अच्छा खेलते हैं विराट कोहली, और साथ में जो शुभमन गिल है वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं। तो हमारी टीम यहाँ पे पूरी कंप्लीट नजर आ रही है। बॉलिंग की बात कर लूँ तो बॉलिंग यहाँ पे अश्विन अच्छा कर लेते हैं, अक्षर पटेल अच्छा कर लेते हैं, श्रद्धुल अच्छा कर लेते हैं, कुलदीप यादव यहाँ पे रहेंगे तो वो भी बढ़िया बॉलिंग कर लेंगे, तो ये सब भी हमारे पास एक्सपेक्टर है। कुलदीप यादव एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टर बन सकते हैं क्योंकि कुलदीप यादव का जो स्विंग है वो कौन से बैटर कब आउट करते हैं वो पता नहीं चलता, तो यहाँ पे ऐसा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। बाकी इंडियन टीम बहुत ही मेहनत कर रही है, बहुत ही
बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस में लग गई है और आईपीएल भी खत्म हो गया और ये टाइम है अभी यहाँ पे प्लीड इन ब्लू, मतलब अभी हम लोग सब टीम इंडिया है, कोई भी यहाँ पे अपने प्लेयर को गाली नहीं देगा, क्योंकि आईपीएल में भाई अपने ही प्लेयर के बारे में बहुत सारे लोग कॉन्ट्रोवर्सीज करते हुए गाली देते नजर आए। तो ये चीजें बंद करो और टीम इंडिया को सपोर्ट करो। तो वीडियो को भी शेयर कर दो और जो लोग इंडियन टीम के फैन है वो लोग कॉमेंट में ब्लू कलर का हार्ट स्पैम करो।